देश के हर कोने में कठुआ और उन्नाव कांड को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और ऐसे में हर कोई देश की सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा है और इस केस के बाद से बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। प्रधानमंत्री आज स्वीडन और ब्रिटेन की 5 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं और इस कर माहौल में मोदी जी की विदेश यात्रा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या इस माहौल में विदेश यात्रा पर जाना सही रहेगा? जब घर के हालात ठीक ना हो तो दूसरों के घरों में जाना लाजमी नहीं है। सवाल ये भी उठता है कि विदेश में किए जाने वाले वायदों पर या फिर देश को मजबूत बनाने वाली योजनाओं पर बात करना, उस पर अमल करना, उससे क्या फायदा होगा जब जमीनी हकीकत नहीं बदलने वाली है। बता दें, स्वीडन और ब्रिटेन की अपनी यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह व्यापार, निवेश और स्वच्छ ऊर्जा समेत विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी पर बातचीत करेंगे और अपनी यात्रा के पहले चरण में मोदी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम पहुंचेंगे, जहां वह प्रधानमंत्री स्टेफन लोवेन से बातचीत करेंगे तथा भारत नॉर्डिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आपको बताते चलें कि देश में हो रहे अन्याय जैसे उन्नाव और कठुआ केस के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी साधी थी, लेकिन जब लोगों का आक्रोश सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक उमड़ा तब देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली के अम्बेडकर मेमोरियल से अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा था कि वो देश की बेटियों को न्याय दिलाएंगे और उसके लिए समाज के सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।